वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो में आप लोगों ने टाइटल देखा कि वन ईयर स्टडी इक्वल टू पीआर। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे एक साल पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो और उसके बाद अगर आप लोगों को पीआर लेना है तो किस तरीके से ले सकते हो, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। खाली वो भी बात नहीं करेंगे, उसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं वो लोग पीआर कैसे ले सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट वो सारी बातें करने से पहले आज के वेदर के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए। ठीक है, तो आज पॉजिटिव 16 डिग्री है गाइस, अभी विंटर्स चल रहे हैं। ठीक है, मार्च शुरू हुआ है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके का क्लाइमेट हुआ पड़ा है। मैं अभी टोरंटो डाउनटाउन में हूँ, ये सीएन टावर का ऊपर का पार्ट आप लोग को दिख सकता है। ठीक है, बहुत नज़दीक है गाइस, ये बिल्डिंग के पीछे ही सीएन टावर है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गाड़ी पार्क करने की कोई जगह नहीं मिल रही है। सो अब यहाँ पे भी कैसा है कि अगर गाड़ी आप पार्क कर रहे हो तो आप लोग को टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी रख के कहीं पे जा रहे हो तो यू हैव टू कीप अ टिकट ओवर देयर। सो इसीलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे रखी है एंड आप लोगों के साथ बाहर खड़े के बात करनी थी। सो आपको एक आइडिया मिले कि भाई किस तरीके से आप लोग को पीआर का सारा सिस्टम करना है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मुझे पिछले टाइम से मैसेज आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि भाई पीआर लेनी हम लोग किस तरीके से ले, नॉट वन ईयर, नॉर्मल ऐसे इन जनरल लोग मैसेज आ रहे हैं जो दो साल पढ़ाई करने के लिए आए थे, वो लोगों ने भी मैसेज किया कि भाई हम लोग पीआर किस तरीके से ले। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, आप लोग को थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है वो आपको देने का ट्राई करूंगा, शायद आपके काम आ जाए, शायद आपके काम ना भी आए। एनीवेज जो भी है पूरी वीडियो देखो एंड देन मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा आप लोगों को। ज़्यादा देर करते वीडियो शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ना पता हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप लोगों ने पढ़ाई करा, ठीक है, एक साल का हो या दो साल का पढ़ाई हो, जो भी हो, आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों ने दो साल पढ़ाई किया है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, अगर आप एक साल पढ़ाई किया है तो आपको उस हिसाब से वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, तो 90 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है अप्लाई करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं ना, पढ़ाई जैसे कंप्लीट होती है वैसे ही वर्क परमिट कर देते हैं वो। आई डोंट नो इतनी जल्दी क्यों करते हो भाई, क्योंकि मैंने भी वर्क परमिट थोड़ा लेट किया था। वर्क परमिट लेट इसलिए करना है बिकॉज जितना लेट करोगे उतना वो लोग टाइम लगाएंगे, बिकॉज वर्क परमिट इतनी जल्दी आने वाला भी नहीं है, उसके लिए भी टाइम लगता है आपको। अप्लाई लेट करो, वर्क परमिट लेट आएगा तो 5-6 महीने तो इसमें ही प्रोसेस में चले जाएंगे पूरे के पूरे। बिकॉज अगर अभी आप लोग को ना पता हो तो वर्क परमिट बहुत लेट आ रहा है। अगर आप लोग अभी अप्लाई करते हो तो वर्क परमिट आने में 2.5-3 मंथ्स लग जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड को 3.5-4 मंथ्स के बाद वर्क परमिट आया है। ठीक है, सो इस तरीके का कामकाज रहता है। तो 90 डेज़ का टाइम रहता है आप लोग के पास, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा गाइस, शुरू के 2.5 मंथ्स तक अप्लाई मत करो। एंड में जब 90 डेज़ कंप्लीट होने आ रहे हैं ना, तो 10-15 दिन जब बचते हैं एंड के, वो टाइम पे वर्क परमिट अप्लाई करो। तो जैसे आप लोग वो टाइम पे वर्क परमिट अप्लाई करोगे उसके बाद वो 10 दिन लगाएंगे आपको अप्रूवल भेजने के लिए कि भाई वर्क परमिट हमारे पास आ गया है। ठीक है, एक बार आपको वो लेटर आ जाता है ना आपके IRCC पोर्टल के ऊपर, उसके बाद आप लोग लीगली यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हो। ठीक है, वो लेटर ये कहना चाहता है कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हो, हमारे पास आपका वर्क परमिट आ गया है, अभी अंडर प्रोसेस है एंड आपको जितने घंटे यहाँ पे काम करना है फुल टाइम आप लोग काम कर सकते हो। एंड वर्क परमिट उसके बाद 3-3.5-4 महीने बाद आता है, तो सोचो आपको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। पढ़ाई खत्म होते या वर्क परमिट करोगे तो आपके पास सिर्फ 2.5-3 मंथ्स होंगे, बट और डिले करोगे तो 5.5-6 महीने के आसपास टाइम मिल गया। एंड जितना वर्क परमिट देने में वो टाइम करेंगे वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नहीं। तो जब भी आपको वर्क परमिट मिलेगा वो उस टाइम फ्रेम का मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका टाइम बढ़ाने का कैनेडा में। एंड जितना टाइम यहाँ पे बढ़ेगा उतना फ़ायदा है, बिकॉज वो टाइम के अंदर आप लोग अपनी फील्ड जॉब ढूंढ सकते हो। फील्ड जॉब या ऐसी जो भी जॉब जो आपको पीआर दिलाने में हेल्प कर सकती है, वो सारी जॉब्स आप वो 2.5-3-4 मंथ्स के अंदर ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी टिप थी गाइस जो मेरे को आप लोग को देनी थी। वन ईयर पढ़ाई करके आ रहे हो तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड वाला जो पॉइंट होगा गाइस वो होगा कि मिनिस्टर मिलर ने ये भी चीज़ बोली थी कि ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर डिग्री कैन अप्लाई फॉर 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसका मतलब अगर आप लोग एक साल का प्रोग्राम लेते हो तो आप लोग 3 साल की वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, और वो एक साल का वर्क परमिट का प्रोग्राम जो भी आपके बजट में आता हो या जो भी जिस भी तरीके से हो आप ये चीज़ फाइनलाइज कर सकते हो। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करें रैदर दैन कुछ वही टिपिकल पाथ में जाने से। बिकॉज मैं तो मास्टर डिग्री एक साल के लिए नहीं कह, 2 साल के लिए मैं मास्टर डिग्री रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज स्क्रीन पे जो यूनिवर्सिटीज़ आप लोग को दिख रही है, अगर ये यूनिवर्सिटीज़ से आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपका पीआर का पाथवे टोटली अलग होता है, क्योंकि मैंने कर रखा है ये। इन लिस्ट में से एक यूनिवर्सिटी मेरी भी है, तो वो पाथवे के थ्रू मैंने अप्लाई किया एंड वहाँ से मेरे को 600 पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद आई विल बी फाइलिंग फॉर नॉन एक्सप्रेस। ठीक है, तो जितना भी कट ऑफ चल रहा है मेरे को तो अपने पॉइंट्स मिल चुके हैं, उसके बाद मैं अपना पीआर के लिए फाइल रख दूंगा एंड वो जो भी उसका टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम में पीआर आ जाता है। तो इस तरीके का थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो ईजी रहेगा रैदर दैन कॉलेजेस में जाना एंड डिप्लोमा डिग्री लेना। बिकॉज अगर अभी आप लोग को ना पता हो तो डिप्लोमा पे आप लोग अपना स्पाउजल का वर्क ओपन वर्क परमिट भी नहीं रख सकते।
ये मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही अभी अवेलेबल है, उसके अलावा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सो डिप्लोमा करोगे पैसा कम होगा, जॉब मिलने का अभी डिफ़िकल्ट है, पीआर मिलना तो अभी मुश्किल ही मुश्किल है। सो इट्स बेटर आप मास्टर डिग्री करने के लिए आओ, एक साल दो साल जो भी है मास्टर डिग्री करने के लिए आओ। तो आप लोग पीएनपी में अप्लाई कर सकते हो, 600 पॉइंट ले सकते हो, तो कट ऑफ 600 तक तो जाएगा भी नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हो। इतना बताने के बाद भी गाइज अभी भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो हेल्प आप लोग की हेल्प करने के लिए आ गया है। बेसिकली ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी सिचुएशन कनाडा में ये दो तीन फैक्टर्स में पड़ती है। जैसे आप लोग पढ़ाई कंप्लीट कर चुके, आपको लग रहा है मेरा पीआर नहीं आएगा, आपको पढ़ाई एक्सटेंड करनी है, स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करना है, कॉलेज चेंज करनी है या दूसरा कोई कोर्स में जाना है, तो हेल्प आप लोग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा फैक्टर बताता हूँ कि हेल्प के यहाँ पे इमिग्रेंट लॉयर्स है या एजेंट्स है, ठीक है, जो यहाँ पे कनाडा में है, जिनकी वैल्यू अगर आप ऐसे ही लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग जाते हो तो आपको वन ऑन वन कोचिंग प्रोवाइड करता है। मतलब आपके लिए एक बंदा होगा जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आप इनसे फ़ोन में बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो या लाइव में मिल भी सकते हो, टोरंटो जो ऑफिस है इनका वहाँ पे, या इनको कांटेक्ट करने के बाद आपको बताएंगे कहाँ पे आपको मिलने के लिए ऑफिस में जाना है। सो ये डिटेल में आप लोगों को वही बताएंगे जब आप उनको कांटेक्ट करोगे। सो ये आपको एक अच्छे से यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस में आपके स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करा के दे सकते हैं। उसके अलावा भी जो भी तरीके के आपको डाउट्स है वो सारे डाउट्स हेल्प आप लोग का क्लियर कर देगा। एंड यहाँ पे 300 प्लस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कांटेक्ट में है। सो आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है अगर आप लोगों को कोई और कॉलेज में जाने का है या अपनी स्टडी वीज़ा एक्सटेंड भी कराना है। बिकॉज स्टडी वीज़ा एक्सटेंड कराने के बाद कहीं तो पढ़ने जाओगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प को कॉन्टैक्ट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके वन ऑन वन कोचेज आप लोग को अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। एंड स्टडी वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए इनके पास इमिग्रेशन लॉयर्स भी है जो 101% आपका स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करा के देंगे। प्लस आप लोगों को LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी 5 दिन के अंदर अंदर मिल सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिलाने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग दूसरे प्रोविंसेस भी देखोगे, खाली ओंटारियो नहीं, तो दूसरे प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट को कुछ कुछ जगहों पे तो लोग चाहिए। जैसे अल्बर्टा में भी आप लोगों ने देखा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड वो लोगों ने नया कुछ चालू किया है। उसके अलावा आप लोग दूसरे अगर जगह देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, फिर डेंटल, उसके अलावा नर्सिंग, उसके अलावा ट्रेड्स, उसके अलावा एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स का भी यहाँ पे ओंटारियो में भी निकला है। तो उनके कट ऑफ कम होते हैं। अगर आप ऐसा कोई कोर्स लेते हो एक साल का या इस तरीके का, तो आप लोगों को एयरक्राफ्ट मैकेनिक का पढ़ाई कर सकते हो और डायरेक्टली जॉब ले सकते हो, वो फिर इंटर्नशिप हो, अप्रेंटिसशिप हो, जो भी हो वो ले सकते हो और उसके थ्रू अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे अप्रेंटिसशिप के थ्रू भी आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीके की ट्रेड में ही माना जाता है। भले ही आपके पास लाइसेंस नहीं है बट यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर पीआर। अप्रेंटिसशिप का एंड लाइसेंस मैकेनिक का नॉक कोड सेम होता है, ठीक है। नॉक कोड जब आप अप्लाई करने जाओगे तो दे आस्क यू व्हाट्स द नॉक कोड ऑफ योर जॉब। तो अगर आप लोग नेट पे जाके लिखोगे तो लाइसेंस्ड मैकेनिक एंड अप्रेंटिसशिप, ये दोनों का एक ही नॉक कोड है, समझ रहे हो। तो जब आप वो नॉक कोड प्रोवाइड करते हो उनको ये नहीं पता लगता आप लाइसेंस्ड हो या अनलाइसेंस्ड हो या जो भी है, यू जस्ट अप्लाई एट दैट नॉक कोड एंड उसके पॉइंट्स आप लोग को मिलते हैं और उस हिसाब से आपकी पीआर की फाइल प्रोसेस होती है। सो मेक श्योर ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी ले ले। उसके अलावा अगर ट्रेड स्कूल के बारे में आपको नहीं पता है तो ये सर्च करें। देखो गाइस यार मैं हर चीज़ आप लोगों को इनडेप्थ नहीं बता सकता हूँ, आप लोगों को अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इंडिया से सस्कैचवान जा रहे हो, मैनिटोबा जा रहे हो, रजीना जा रहे हो, इस तरीके से कहीं पर भी जा रहे हो, तो यू हैव टू रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब मैं जो बताऊंगा शायद वो आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स में फिट ना बैठे, बट मैं जो बोल रहा हूँ ये इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, उसको आप अपने तरीके से यूज़ करके अपना प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि वर्क परमिट लेट अप्लाई करो, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के ट्रेड्स में जाओ, तो एक आइडिया मिल रहा है आप लोग को, राइट। उसके बाद आपको अपने हिसाब से सोचना है एंड आगे डिसीजंस लेने हैं। उसके अलावा कि हम लोग फ्रेंच प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, अगर आप लोगों को फ्रेंच आती है तो 50 पॉइंट्स आप ऐसे ही ले जाओगे। मतलब जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, जितने भी पॉइंट्स आप लोग के हो रहे हैं उसमें 50 पॉइंट ऐड कर दो, आप कट ऑफ से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो 50 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। रैदर दैन स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब अपने इंडियन ओनर्स को जाके इतना पैसा देना, 10,000, 20,000, 30,000 डॉलर एक LMIA लेने के चक्कर में, इससे बेटर है आप लोग फ्रेंच सीख लें। फ्रेंच सीखने से दो फायदे होते हैं, नंबर 1 आपका PR हो जाएगा एंड नंबर 2 आप लोग ऐसी कंट्रीज़ में जा सकते हो जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। जैसे क्यूबेक में बहुत फ्रेंच बोली जाती है, तो क्यूबेक जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, बट वो लोगों के लिए जिनको फ्रेंच आती है। उसके अलावा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्यूबेक के अंदर। तो ये सब रास्ते आप लोग के और एक्सटेंड हो जाते हैं, PR तो मिलता है मिलता है, उसके अलावा और रास्ते खुल जाते हैं। सो इंडिया में हो, 4-5 महीने का टाइम है, फ्रेंच क्लासेस शुरू कर दो,
YouTube पे या फिर कोई जगह पे जाओ, YouTube पे मत करना, बिकॉज ये सब चीज़ें YouTube पे आप लोग अच्छे से नहीं सीख सकते हो। तो इससे बेटर है आपको क्लास ज्वाइन कर लो एंड एग्जाम्स दो फ्रेंड से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, यू विल हैव अ गुड प्रोफिशिएंसी आफ्टर 4 to 5 months एंड कंटिन्यूसली सीखते रहोगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग फ्रेंच के लिए सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो एंड देन यू कैन गिव योर PR विद 50 एडिशनल पॉइंट्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स जिनके पास वो एडवांटेज नहीं है। सो PR के लिए फ्रेंच, उसके अलावा IELTS में जितने ज़्यादा ला सकते हो 777-8 लाने का ट्राई करो गाइस, जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं मिलने का ट्राई करेगा। उसके अलावा आपको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, आपकी एज 24-25 के आसपास से तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा एज है पॉइंट्स कम हो जाते हैं, जितनी कम एज है पॉइंट्स कम हो जाते हैं, बीच में एज है तो मैक्सिमम पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं। सो इस तरीके का सारा कामकाज रहता है। उसके अलावा अगर आप लोग पर्टिकुलर कोर्सेज में जाते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताए, ये कोर्सेज जो मैंने बताया गाइस, ये प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करते हैं। जैसे अल्बर्टा जा रहे हो तो फार्मर, उसके अलावा ये जो अपना क्या बोलते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सबसे रिलेटेड अल्बर्टा में, उसके अलावा अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। सो इससे रिलेटेड अगर आप लोग कोर्सेज लेते हो तो आपके पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल कट ऑफ से थोड़े कम पॉइंट हो जाते हैं अगर वो लोग को ज़रूरत है वो चीज़ की। तो ये रिसर्च आप लोग को उनके प्रोविंशियल वेबसाइट्स पे जाके करनी है। फॉर एग्जांपल सस्कैचवान की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है वो क्या क्या लोग ढूंढ रहे हैं, आप वो जगह पे फॉल करते हो कि नहीं। बिकॉज अभी कैनेडा पहले जैसा नहीं है गाइस, कि शक्ल उठाई बैग वैग थैले वेले बिस्तर भरे और यहाँ पे आ गए कोई भी प्रोविंस में कहीं पे भी एंड आपका PR हो गया। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको सिस्टमैटिकली वे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज कुछ दिनों पहले मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, सो उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है PR लेने के लिए। सो लकीली मेरा थोड़ा गाड़ी सीधा पड़ गया है, बट मैं भी कोई जब आ रहा था PR का सोचा नहीं था मैंने, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो इतना तो मैंने 2-3 साल आगे का नहीं सोचा था। मैंने खाली सोचा था भाई ये जगह पे जाऊंगा एंड ऐसे ऐसे, बट वो लक बाय चांस चीज़ें फिट बैठ गई। बट ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी वो चीज़ें फिट बैठेगी। सो इट्स बेटर टू डू योर रिसर्च, 3 साल आगे का सोचो कि भाई मुझे PR लेनी है तो मैं क्या क्या करूँ, ठीक है। सो अगर इस तरीके से सोचोगे तो यहाँ पे आने के बाद नए नए तरीके के झटके नहीं लगेंगे जो यहाँ पे लोगों को लग रहे हैं यहाँ लैंड होने के बाद। सो इट्स बेटर टू डू योर रिसर्च इन इंडिया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कमिंग टू कैनेडा एंड डूइंग अ रिसर्च। उसके अलावा गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं आने वाले कुछ वीडियोस Q&A वाले करूँ, ठीक है, मतलब आप लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछो और मैं उसके आंसर्स दूँ आप लोगों को। मेरे को ऐसा ज़्यादा बेटर लग रहा है बिकॉज अभी फिलहाल लोगों को डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो मैं जितने लोगों को लाइक हेल्प कर सकता हूँ YouTube वीडियो के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू हेल्प करने का ट्राई करूँगा। ये सब क्वेश्चंस गाइस मैं यूजुअली Instagram पे डालता हूँ, ठीक है। तो Instagram पे आप लोग जाना मेरे मिस्टर पटेल 908 पर, वहाँ पे मैं स्टोरी में डालूंगा कि भाई आप बता दे। मैंने अभी कुछ दिनों पहले डाला भी था तो बहुत सारे लोगों के मेरे को आ गए हैं वहाँ पे। सो उनके जवाब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देंगे। उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं इस तरीके का Q&A सेशन रखूँगा जिससे लोगों की हेल्प हो, बिकॉज अभी आई थिंक Q&A वाले वीडियो ज़्यादा बनाना चाहिए रादर देन ऐसे वीडियोस, बिकॉज इसमें मैं अपनी राय दे रहा हूँ, Q&A में मैं आपकी क्वेश्चंस को हिसाब से अपने राय दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। सो ये था, कैसा लगा डू लेट मी नो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मैंने जितना मेरे को ईजी वे में बताने लायक लगा मैंने बताया गाइस। बाकी का कुछ अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।